बोले भैया पूरा नाम जादू खेड़े बोल। तो हमारा नाम रामेश हंसरा और ये छोटा नगरा का उप मुखिया है और मेरा वार्ड नंबर 7 है। मैं अध्यक्ष महाराज और सचिव और हमारा जो बहानी कोषाध्यक्ष हैं ग्राम सभा को जितना दिन भी चलाया जो भी चलाया आप लोगों से हाथ जोड़ करके मेरा विनती है जो मेरा आदिवासी भाइयों से गलती हो गया है तो माफ कर दीजिए। सभी आदिवासी को एक बार जीने दीजिए ये मेरा बात है क्योंकि आदिवासी वर्षों से शोषण हुआ 70 साल हुआ कोई विकास का काम नहीं हुआ। आज जब मेरा विकास का काम दिख रहा है तो आज भी बोलता है कि आदिवासियों के साथ ये हो रहा है। तो मैं आप सभी से आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि हम लोग का आदिवासी अगर पाप किया है तो उसको उतना बड़ा सजा दो ताकि चला वो जिंदगी में रेंगते रहेगा आदिवासी कि वहाँ मारते दम तक पानी तक ना मिले अभिशाप दो क्योंकि आदिवासी गलती किया है। भी आप लोग का ग्राम सभा हम लोग का छोटा नगरा के लिए आप लोगों से दो दो बार मैं विनती करता हूँ कि हम लोग से जो भी गलती हुआ साझा दीजिए और जो भी साझा दीजिएगा मैं तैयार हूँ। फिर भी हमारा आदिवासी को शोषण करना मेरे भाई बहनों बंद कीजिए ताकि उसको हक से जीने दीजिए क्योंकि मेरा संविधान कहता है लिखा ये हमारा बाबा साहब लिखा हुआ संविधान कहता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखा हुआ कानून कहता है ये मेरा जीने का अधिकार दिया है। ये पछुआ अनुसूचित क्षेत्र है इसलिए आप लोगों को बोलना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों से मेरा निवेदन है कि आदिवासियों को जीने दो क्योंकि हम उस लिए इस वार्ड मेंबर में मेरा उसे शोक से मैं राजनीति में नहीं हूँ क्योंकि हम दावे कुछ ले लोगों का आवाज बन सके एक दिन क्योंकि मेरा भाई बहन आवाज नहीं उठा सकता है। अभी भी 5,000 या 2,000 जब भी होगा आदिवासियों का संख्या वहाँ सिर्फ 2-3 आदमी पढ़ा लिखे हैं जिसके कारण से हम लोग बोल रहे थे कि आदिवासी जो भी दावे कुचले लोग हैं और हमारा ओबीसी भाई बहन भी है उसे हैं तो हम सोच रहे थे कि एक दिन हम लोग को न्याय मिलेगा लेकिन हम लोग को न्याय छोड़ करके हम लोग को अधिकारी को नहीं मिलेगा। भरोसा हम लोग का भी टूट गया। फिर भी मैं चाहता हूँ आप लोग से एक बार फिर से पुनः माफी चाहता हूँ और जितना भी जो भी किया आदिवासी लोग को एक बार माफ कर दीजिए बस धन्यवाद। आज इस ग्राम सभा में मैंने 2014 से ग्राम सभा को जिसका कोई फायदा नहीं था कहें तो